हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्लास 9। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स की। तो इसमें कई तरह के सेल ऑर्गेनिल्स हो जाते हैं। कुछ बेसिक हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं जो हर सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स और एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर पास होने को और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती। फ्लैक्सीबल रहती है। और नेक्स्ट ऑर्गेनिल हो जाता है आपका सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में होती है। तो सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है, आउटसाइड लाई करती है। और ये मेनली सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो फंक्शंस में सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, उसको ड्राइंग होने से बचाती है, ड्राई होने से बचाती है। सेल वॉल आपके सेल के अंदर ज़्यादा पानी आने से भी बचाती है और जो सेल कंटेंट्स हैं उनको बाहर जाने से भी प्रिवेंट करती है। प्लांट सेल को शेप देती है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं सेल वॉल के, क्योंकि प्लांट सेल जो होता है वो आउटसाइड कंडीशंस में सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा वेदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेलता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और ये इस वजह से है क्योंकि एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जा सकते, इसलिए उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं और सारे ही सेल ऑर्गेनिल्स का अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म में होता क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वेरियस लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सेल का बल्क बनाता है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है साइटोप्लाज्म। बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सेल को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखता है, उसको टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक उसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। डबल लेयर्ड होता है, बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं जो कुछ मटेरियल्स को प्रोवाइड अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए और कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, और ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ये तभी विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें इनहेरिटेंस फीचर्स होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं। जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के उनको हम जीन्स कहते हैं, और ये जीन्स हेरिडिटरी करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है, हो जाता है इंटू क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट स्पेशल ऑर्गेनिल आ जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। इसको आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अनदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स साइट होती हैं ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंजाइम्स और हार्मोन की सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक फंक्शन और हो जाता है लीवर में, जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो मतलब जो हार्मफुल मटेरियल्स हम ले लेते हैं वॉलेंट्रली और इनवॉलेंट्रली, जैसे ड्रग्स हैं, पॉलिट्रेंट्स हैं या पॉइजन्स हैं, उनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका गॉल्गी अपरेटस। तो गॉल्गी अपरेटस को जो नाम दिया गया है वो आफ्टर कैमिलो गॉल्गी दिया गया है, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं और जो कि पैरेलल टू ईच अदर अरेंज्ड होते हैं स्टैक्स की फॉर्म में, जिसको हम सिस्टर्न्स भी कहते हैं। इसका काम होता है पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स को अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। इसमें पैकेजिंग होती है, स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशंस भी होते हैं और लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गॉल्गी बॉडीज। नेक्स्ट आ जाता है इसका एक फंक्शन और हो जाता है लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स की सिंथेसिस में भी इसका रोल रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसोसोम्स, जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, सेल को साफ रखने में मदद करता है। जो भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, जितने भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि जितने भी तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो उनको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं। जब सेल आपका डैमेज्ड हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और जो रिलीज्ड एंजाइम्स हैं वो अपने उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है, इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके, आउटर मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। ये रिलीज करता है एनर्जी जो हमें ज़रूरत होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से ये अपने कुछ प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।